उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर के जेल वार्ड में भर्ती दुष्कर्म का आरोपी विचाराधीन बंदी गोपाल रजक गुरुवार देर रात हथकड़ी से हाथ निकालकर भाग निकला। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने फरार बंदी की तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। इस घटना से अस्पताल के जेल वार्ड की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। कहने को तो यहाँ एक चार का गार्ड तैनात रहता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। बहरहाल इस घटना से पुलिस व जेल प्रशासन में हड़कंप मचा है। यहाँ से एक बंदी फरार हो गया है। वो मनिंद्रगढ़ जेल से आया था 30 तारीख को, हाँ 30 मई को आया था। वो 376 का था। वो बोला कि बाबा सिर है मेरे को, ऐसे करके ब्लडिंग व्लडिंग आ रहा है, इसलिए इलाज कराने आया था। उसके बाद वो धीरे से हथकड़ी हाथ में लगा हुआ था और कैसे कैसे वो सरका के और पीछे वाला दरवाजा से भाग गया। उम्र तो वही 25-30 लगभग। अब लापरवाही तो अपनी तरफ से हम लोग कोई लापरवाही नहीं किए हैं। वो कैसे धीरे धीरे हाथ से हथकड़ी निकाला और कैसे वो फरार। सुरक्षा रहता है ना सर, सुरक्षा एक चार के गार्ड लगे रहता है। नहीं, जिसका ड्यूटी रहता है वही उसी समय में जेल उठ के थोड़ा सा पैक होना चाहिए इधर, मतलब कोई नहीं आए। हाँ, ये भी इधर से आते जाते रहते हैं।